सो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के न्यू गेम प्ले वीडियो में, और जहाँ पे हम आज के दिन एक्सप्लोर करने वाले हैं GTA Vice City का पूरा मैप। ठीक है, GTA Vice City का पूरा मैप मैंने वहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। एंड भाई साहब, वो मैप देख रहे हो ना वहाँ पे, मतलब बिल्डिंग शो हो रही है ना आपको, देखो ये बिल्डिंग शो हो रही है ना आपको, ये है GTA Vice City का पूरा मैप। एंड हम जाने वाले वहाँ पे एंड ऑब्जर्व करने वाले पूरे मैप को, और देखेंगे कि GTA Vice City की हर एक एक चीज़ वहाँ पे है कि नहीं। सो यार देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जस्ट मैं आपको वहाँ पे जाके मिलता हूँ। सो लेट्स गो। तो गाइज, ये है GTA Vice City की सिटी, एंड यहाँ पे मैंने स्विच कर लिया अपने कैरेक्टर को माइकल टू टॉमी। एंड भाई साहब क्या ओपी, देख रहे हो ना, ये GTA 5 का जो सेकंड मैप होता है ना, उस पार वाला, उस तरफ वाला जो लोग रहता है स्टार्टिंग में, तो ये वो वाला मैप है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरी शिप है जो जिसपे बहुत सारे कंटेनर्स रहते हैं, जहाँ पे बहुत फाइट होती है। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में ऐसे मिशन मिलते हैं। एंड यहाँ पे देखो भाई, ये जगह किसको याद नहीं भाई, ये सबको याद है वाली जगह। ये देख रहे हो ना, ये जगह में यहाँ पे इतने सारे वो फौजी वगैरह रहते थे एंड बहुत सिक्योरिटी रहती थी। एंड देन अगर हम आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद ये जो रोड है ना, ये जो मेन रोड है भाई साहब, ये चीज़ इतनी ओपी लग रही है ना यार, मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं कभी ये वाला गेम कभी इतना रिमास्टर्ड GTA Vice City का वो खेलूंगा। मैं तो फर्स्ट टाइम ही खेल रहा हूँ, मुझे बहुत ओपी लग रहा है यार। ये चीज़ देखो आगे की, ये देखो, ओ भाई साहब ये रोड देखो भाई, तुम क्या ही ओपी रोड लग रही है ना यार, सीरियसली मज़ा ही आ गया यार, क्या बात है भाई। तो गाइस ये चीज़ देखो यार, ये वाली चीज़ देखो भाई कितनी ओपी है ये एकदम। अपने आपको पता होगा कि दोनों मैप की बीच वाली प्लेस से भाई साहब ये है वे सबसे बड़ा वाला घर, एंड इस जगह को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये जो पास में जो छोटे छोटे घर्स होते हैं वो है यहाँ पे, एंड आगे तो ये ब्रिज है ही अपना, एंड यहाँ पे हम अंदर चलते हैं। भाई साहब ये चीज़ देख रहे हो ना किस तरीके से हम अंदर जाते थे, एंड यार जो क्वालिटी है ना, जो मेन जो क्वालिटी है ना वो देखो आप, जो क्वालिटी दिख रही है ना कितनी ओपी लग रही है भाई साहब। एंड यार आपको पता होगा ये गैरेज थी, एंड भाई साहब बहुत ज़्यादा ओपी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। एंड हम अंदर चलते हैं, एंड अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। हाय, चलो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। यहाँ पे भाई पब्लिक प्लेस बना दी इसको पूरा, हर कोई आ जाओ भाई यहाँ पे, ये पहले ये जो चीज़ थी ना ये बहुत ज़्यादा ओपी दिखती थी भाई। तो यहाँ का जो लीडर था ना, जो लास्ट में विलेन निकला, कसम से वो जो आई डोंट नो उसका नाम क्या था, मैं नेम उसका भूल गया, बट बहुत ओपी था यार। यहाँ पे अपना एकदम सामने यहाँ पे अपना गेम सेव होता था। एंड ये चीज़ देखो भाई, ये चीज़ देखो कितनी ओपी लग रही है भाई, बाहर से देखो भाई साहब। अब ये जगह देखो भाई साहब, हम एकदम से इस वाली जगह से जा रहे हैं आगे, ये जो वाला ब्रिज होता है, एंड इस ब्रिज से जाते हैं तो यहाँ पे यार देखोगे तो इस साइड में हमको एक मिशन मिलता है देखो, ये वाला यार। जब भी हम GTA Vice City में ना पीछे से आते हैं ना एकदम, तो हम इस जगह से जाते हैं एंड एकदम यहाँ पे आके एंड राइट में चले जाते हैं, एंड इस तरीके से घूम के जाते हैं भाई, इतना मज़ा आता ना यार। वो चीज़ें भी कितनी ओपी थी। यहाँ पे देखो ये कितनी यार, इन जगहों पे क्या क्या होता था यार, एकदम यहाँ पे देखो हमको मिशन दिए जाते थे, यहाँ पे खिड़की पे एक बंदा स्पॉन होता था, एंड बहुत चीज़ें थी यार। देखो अब ये एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, ये जो चीज़ है ना ये बहुत रियलिस्टिक लग रही है। थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको इसका लुक बताता हूँ, एंड देखते कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये कितना अच्छा प्रीव्यू देता है। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे देखोगे तो भाई साहब यहाँ पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो भाई ये चीज़ देखो, देख रहे हो ना कितनी ओपी लग रही है यार अंदर। यही जो पार्टी हॉल है आप देख रहे हो ना, पार्टी चल रही है यहाँ पे भाई, कंटिन्यू उनकी पार्टी चल रही है वहाँ पे। देखो भाई अंदर चलते, थोड़ा अंदर चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें अंदर चलते, लेट्स गो। ये देखो गाइस, ये इनके पार्टी चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी वाली, और सब चीज़ें वही है सेम, बहुत ज़्यादा ओपी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली, एंड मज़ा ही आ गया भाई, बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं स्पॉन होने में, देखो यार ये चीज़ देखो यार, यहाँ से हम स्टंट मारते थे, एंड थोड़ा सा आगे भी है, देखो मैं आगे जाके भी बताता हूँ आपको। ये देखो ये चीज़, यहाँ से हम स्टंट मारा करते थे, हालांकि ये अच्छा स्टंट नहीं था क्योंकि मेरी स्पीड बहुत स्लो थी,
बट फिर भी यार बहुत ओपी थी। और हाँ यहाँ पे तो यार टॉमी का जो जो फर्स्ट मिशन पे जो घर होता है ना, जो होटल होती है ना, वो तो यहीं पे तो थी। और भाई साहब ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो कितनी ओपी लग रही है। तुम लोग ये देखो ऊपर लाइक बादल पे देखो एंड पास में देखो भाई, हर चीज़ देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना, इतनी ओपी लग रही है ना भाई, ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ओपी लग रही है, मज़ा आ रहा है। और पूरा GTA Vice City का ही लुक दे रहा है भाई साहब, तुम देखो सही एक बार इसको लुक करो भाई, एकदम ओपी, बिल्कुल ओपी लग रहा है। एंड हम बहुत ज़्यादा क्लोज है इसके टॉमी के ऑफिस पे, सो लेट्स गो गाइस। ये देखो ये हम आ चुके हैं टॉमी के ऑफिस पे, एंड यहाँ पे गाड़ी स्पॉन हुआ करती थी डिफ़ॉल्ट, वो पता होगा। एंड यहाँ पे अपने टॉमी सर का ये होटल है, जो कि हम इसके अंदर घर के अंदर भी चलते हैं। लाइक पूरा जो लुक है मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे हम अपना गेम सेव करते थे, एंड ये देखो ये रेस्टोरेंट टाइप ही है। एंड देखो हम ऊपर चलते हैं, एंड हम जो अपने टॉमी का जो घर है ना, जो टॉमी का एग्जैक्ट जो हाउस है ना, वो देखते हैं हम। देखो ये कहाँ पर है एग्जैक्ट, जो इसने कौन सा फ्लोर ले रखा है भाई, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे यार ये विंडोज़ है भाई, कितना ओपी दिखता था ना इन विंडोज़ के बाहर। ये देखो अब मैं यहाँ पे इसको अंदर लेके चलता हूँ आपको। ये देखो भाई FPP में भी देखो क्या ही लुक आ रहा है। यहाँ पे फैंस देखो एकदम एकदम डिटो वही है। TV देखो भाई, TV भी एग्जैक्ट वही है। एंड देखो बेड देखो, देख रहे हो ना, सब कुछ सब कुछ सब कुछ GTA Vice City जैसा है। और हमने कैरेक्टर डाल के बिल्कुल ओपी बना दिया इसे। और थोड़ा सा और मैं नीचे ले जाके दिखाता हूँ, जैसे कि हमने देख लिया पूरी बिल्डिंग डिटो GTA Vice City की तरह लग रही है। एंड थोड़ा सा नीचे आके आउट ऑफ दी होटल चलते हैं, देन बाद का जो प्रीव्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, या तो इनकी बातें कंटिन्यू चल रही है। डोर ओपन करते हैं, डोर ओपन करता हूँ भाई साहब, हम बाहर आ चुके हैं और बहुत ओपी दिख रहे हैं भाई साहब। ग्राफिक्स जो है ना बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये देखो ये जो ट्रीज दिख रहे हैं ना भाई, बिल्कुल डीटो GTA Vice City में इस तरीके के थे। एंड यहाँ पे हम आते थोड़ा ऊपर भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है, लग ही नहीं रहा भाई अपना GTA Vice City हम खेल रहे हैं यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा ओपी लग रही है। यहाँ पे देखो पानी हुआ करता था है ना, ये हम आ चुके हैं यहाँ पे। एंड भाई साहब बहुत ओपी लग रहा है यार, प्लस कार का भी बहुत अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे, देखोगे तो भाई बहुत अमेजिंग लग रही है चीज़। अब देखो भाई साहब बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है मुझे तो यार, टोटली मैं बता रहा हूँ, देखने में मुझे इतना 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 ज़्यादा ओपी लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता। मुझे इतना मज़ा आ रहा है इसको खेलने में, लाइक ऐसा मन करता है ना कि भाई पूरे दिन बैठ के यही खेलते रहो। लाइक आपको खुद को पता होगा कि कितना ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया था ऐसे गेम्स में, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यार। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ यार अपनी ऐसी बिल्डिंग्स, जो आपने तो यार समझ रहे हो ना कितने अच्छे तरीके से देखे होगी। उससे पहले भाई इस चीज़ को हम कैसे भूल सकते हैं यार, या तो हमारा गेम स्टार्ट होता था या तो हम फर्स्ट पर स्पॉन होते थे यही जगह ना। हाँ ये देखो भाई, यहाँ पे हमको एल मिशन देखने मिलता था भाई, कितनी ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पे, देख रहे हो एकदम। यहाँ पे कास्ट देखो भाई, एकदम एकदम रियलिस्टिक, बिल्कुल रियलिस्टिक। एंड यहाँ पे कार स्पॉन हुआ करती थी, एंड यहाँ पे देखो हम स्टार्टिंग में आते थे, एंड यहाँ पे अपना जो स्कूटर था, लाइक स्कूटर ही था ना, तो वो यहाँ पे स्पॉन होता था। यहाँ पे एक गाड़ी थी यहाँ पे जो स्पॉन होती थी, लाइक इसी की तरह ही थी। और बहुत बहुत ज़्यादा ओपी दिख रहा था यार यहाँ पे कहीं ना अपना गेम स्पॉन होता था, ये देख रहे हो ना। हाँ सामने की तरफ अपना गेम स्पॉन होता था, देखो सामने की तरफ गेम अपन स्पॉन कर सकते थे अपना। एंड भाई ओवरऑल मैं सही बता रहा हूँ, टोटली ना बहुत ज़्यादा ओपी लग रही है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ना, सीरियसली मैंने सोचा नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा अच्छा मोड GTA 5 के लिए हमको देखने मिलेगा भाई, बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है। एंड भाई मैं सही बता रहा हूँ, पूरी गेम चेंजिंग, मतलब GTA 5 में मुझे फेल लग रहा है यार, मतलब कि मुझे क्या लग रहा है कि भाई अब तो टॉमी बन करके और इस सिटी में रह करके भाई GTA Vice City के मिशन दोबारा करूँ, ऐसा मन करता है पता है, एकदम रिमास्टर्ड भाई, कितना ब्यूटीफुल लगेगा आप खुद सोचो, अगर GTA Vice City के मोड मतलब जो मिशन है वो इंस्टॉल कर दिए जाए, देन बाद में देखेगा तो कितना ओपी लगता है ना। तो यार देखो मैं तो आपको टोटली बता रहा हूँ A to Z जितनी भी चीज़ें हैं, एंड मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको अच्छे से बताता हूँ। सो गाइस ये चीज़ देखो भाई साहब, ये चीज़ याद है, सबको याद है, यहाँ पे अपन का GTA Vice City का वन ऑफ द हार्डेस्ट मिशन, जो आपको पता होगा जो बहुत ज़्यादा हार्ड मिशन है पूरी GTA Vice City का, वो यहाँ पे हमें देखने मिलता था। लाइक अपन को हेलीकॉप्टर पे एक छोटे से हेलीकॉप्टर के थ्रू अपन को हर एक फ्लोर पे जा करके डिस्ट्रॉय करना रहता था, और बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो ये बिल्डिंग भाई सबको याद है, कोई नहीं बोला ये बिल्डिंग, मैं जानता हूँ सभी को याद है ये बिल्डिंग। और ओवरऑल जो लाइक जो लुक है ना, जो टोटली जो इसका लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है।
यार मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये वाली बिल्डिंग देखोगे तो इस बिल्डिंग में भी यार इस बिल्डिंग के सामने थी, मतलब डिटो, मतलब सब कुछ एग्जैक्ट GTA वाई सिटी की तरह। तो यार ये देखो भाई, ये जगह कैसे भूल सकते हैं। यहाँ से हम लाइक कार छोड़ते थे सामने की तरफ, यहाँ पे हमको बाइसाइकिल वाले मिशन दिए जाते थे। देखो हम यहाँ पे बाइक, देखो ये पे कांच लगे हुए हैं, यहाँ पे कांच फोड़ते थे और यहाँ से बाइक निकालते थे और भाई मिशन करते थे। पता है यहाँ पे पीछे की तरफ हमको लाइक एक प्रॉपर्टी मिली थी, एंड इस तरफ अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये तो वही अपनी मेन रोड है जो मैंने आपको भी पहले बताई थी भाई साहब। लेकिन सही बता रहा हूँ, जो मेन रोड पे गाड़ी चलाने का जो मज़ा है ना, ये वाली मेन रोड ये बहुत ओपी है। एंड वेदर आप देखोगे तो वेदर कंडीशन बहुत ओपी लग रही है। एंड ओवरऑल भाई मुझे, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं लगा है। सब कुछ मतलब जो कुछ भी था ना GTA वाई सिटी के अंदर मैप में, ठीक है, वो सब कुछ इस मैप के अंदर आपको देखने मिल जाएगा, मतलब A to Z भाई। बस मिशन की वो है प्रॉब्लम, मिशन की यहाँ पे कमी है। दैन मिशन भी अगर आप हमने एड कर दिया ना किसी भी मोड के थ्रू, तो यार ये पूरा GTA 5 मतलब GTA वाई सिटी बन जाएगा, सॉरी पूरा GTA वाई सिटी बन जाएगा, मतलब A to Z सभी मिशन आपको आपको करने को मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो भाई समझ रहे ना, मतलब सब ओवरऑल सभी चीज़ें यहाँ पे देखने मिल जाएगी आपको। मुझे लगता है कि भाई ये सबसे बेस्ट होने वाला है यार, सबसे बेस्ट होने वाली चीज़, और बहुत ज़्यादा ओपी दिख रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखने में यार, सीरियसली। सो गाइस मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत सारी चीज़ें यानी कि पूरा मैप अगर आपको दिखाऊंगा तो यार लाइक की जो वीडियो होगा ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई कि मैंने जो मेन मेन चीज़ें यार जो अपनी बहुत ज़्यादा देखी गई है और बहुत यादगार वाली चीज़ें, तो वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करी है, वो जगह मैंने कवर करी है, और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक यहाँ पे देखने को मुझे मिला है। सो यार आप मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगता है कि यार ये मोड कितना ओपी है कितना ओपी नहीं है। मुझे लगता है कि सभी को बहुत ओपी लगेगा आई एम श्योर। एंड अगर आपको ओपी लगेगा तो मुझे रिस्पॉन्स देना मत भूलना, ठीक है, मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करना जिस जिसने भी ये गेम प्ले एंड तक देखा। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक गेम प्ले देखने के लिए। सो गाइस वीडियो करते हैं, एंड इसी तरीके के गेम प्लेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि मैं कोई भी गेम प्ले अपलोड करूं तो आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। इस तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।